कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। ऐ गलती गलत है जो भी कर रिया जानी है, पर ये भी देख तेरे बिन किंचे मर रिया जानी। मर जाएंगे ले संभाल, मर जाएंगे ले संभाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। वेलकम बैक ग्रैंडिया। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि म्यूज़िक वीडियो कैसे शूट करना है, वो भी मोबाइल से, और कवर सॉन्ग कैसे शूट करना है। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि हम जो यूज़ करने वाले हैं DJI Osmo 3 यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम Realme का X2 Pro एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो कि इसके अंदर ऐप यूज़ करेंगे जिसके साथ हम प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे। अपर्चर शटर स्पीड से लेके मैनुअल फोकस कंट्रोल करेंगे, वो है प्रो कैम एक्स ऐप। दोस्तों सबसे पहले बता दूं दोस्तों आज हमारे साथ हैं शुभम जी, जिनका हम कवर सॉन्ग करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एंगल कैसे कवर करने हैं दोस्तों, और कौन कौन से एंगल आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि आपने हमेशा 3 शॉट कंपलसरी कैच करने हैं, वो शॉट, मिड शॉट एंड क्लोजअप शॉट। मतलब दोस्तों कि वाइड शॉट होता है कि पूरी लेंथ जिसमें आदमी पूरा दिखे, एंड हाफ शॉट एंड क्लोजअप शॉट दोस्तों जिसमें फेस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एंगल और कैसे कवर करने हैं। और छोटी सी आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमेशा आपने सिनेमैटिक के अंदर अपने गिम्बल का मूवमेंट रखना है दोस्तों। मूवमेंट करने से आपकी जो लुक है, आउटपुट है, सिनेमैटिक आएगी। तो साथ में हम ऐप के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आपने इसकी ब्राइटनेस या शटर स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं आप लोगों को, जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं वो प्रो कैम एक्स लाइट ऐप यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही ओपन हो जाएगी इसके अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर दिखाई देंगे दोस्तों। सबसे पहले आता है शटर स्पीड। शटर स्पीड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मोशन ब्लर कंट्रोल करने के काम आती है, लेकिन आपके पास ND फिल्टर नहीं, आप इसे जितनी मर्जी रख सकते हैं, जितनी मर्जी का, जहाँ पे आपकी लाइट सही है। देखिए डार्क कर रहा है, ओके, और ये लाइट कर रहा है, देख सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मिड पे बिल्कुल ओके है, यहाँ पे आप इसे रख सकते हैं, ओके दोस्तों। इसके बाद ISO आता है, डे टाइम, ये भी लाइटिंग का काम करता है, 100 पे रखेंगे दोस्तों। नाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पे कैच कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों ग्रेन्स, ये लाइट फेक लाइट का काम करता है, 3200 पे और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। डे टाइम 100, देख सकते हैं कि फुटेज हमारी कितनी नेचुरल है, ओके। इसके बाद दोस्तों आता है फोकस। ऑटो फोकस पे ही आप काम करेंगे, अगर मैनुअल करेंगे तो आपको पूरा कंट्रोल मैनुअल करना पड़ेगा, देख सकते हैं दोस्तों, ओके ये ब्लर हो चुका है। तो ये फोकस आपने मैनुअल नहीं यूज़ करना है, हम फिलहाल ऑटो फोकस पे ही काम करेंगे इस पे, ओके। वाइड बैलेंस आता है दोस्तों, यहाँ पे वाइड बैलेंस अगर डे टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप सन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप केल्विन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे वाइड बैलेंस DSLR कैमरा में होता है केल्विन का ऑप्शन, आप यहाँ से केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मेरा मानना है कि आप ऑटो ही रखें, मेन है हमारा ISO एंड शटर स्पीड, इसे आप कंट्रोल करें। और ऊपर बिल्कुल सेटिंग में देखेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं 2K की रिकॉर्डिंग, ओके। हम कैच कर रहे हैं 100 MBPS की स्पीड से, मतलब बिट रेट जो हाई क्वालिटी, नीचे करेंगे तो 40-50 पे ये कम रेजोल्यूशन का मतलब कम क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी आपकी वीडियो, यहाँ पे हम करेंगे 100 MBPS पे रिकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अब हम इन्हें वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कवर सॉन्ग की। मेन हमने शटर कंट्रोल करना है, इसके बाद हमने मेन शटर कंट्रोल करना है, तो चलिए दोस्तों आइए। तो दोस्तों आपने हमेशा गिम्बल को गाने के हिसाब से प्ले करना है, जैसे ये आप सब लोगों को पता है रोमांटिक सॉन्ग है, तो आपने गिम्बल की मूवमेंट बहुत स्मूथ रखनी है। अगर थोड़ा बीट म्यूजिक है, फास्ट म्यूजिक है, तो गिम्बल की मूवमेंट आप फास्ट रखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में एक लड़का खड़ा हुआ है, वो दोस्तों म्यूजिक प्ले कर रहा है, ओरिजिनल सॉन्ग प्ले कर रहा है कि सिंगर उसके ऊपर जो ओरिजिनल सॉन्ग है गा सके।
हम इसलिए यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले करते हैं क्योंकि बाद में वीडियो एडिटिंग के समय हम अपनी ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज कर सकें। इसलिए आपने जहाँ पे भी आप अपना गाना शूट कर रहे हैं तो आपके पास एक म्यूजिक प्लेयर होना चाहिए, बड़ा म्यूजिक प्लेयर। तो जैसे कि हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं इसीलिए गिम्बल के साथ में बिल्कुल मोबाइल रखा हुआ है हमने। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अलग अलग एंगल कवर करने हैं, जैसे पहले वो झूले पे बैठे हुए थे तब हमने पूरा सॉन्ग प्ले किया, अब हम पूरा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। थर्ड आप देख रहे हैं कि इनको नीचे बिठा के हम पूरे सिंक ले रहे हैं। इस तरह से आपने दो से तीन लोकेशन पे पूरे पूरे सिंक कवर करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर हम तीन शॉट, तीन एंगल कवर कर रहे हैं, वॉश शॉट, मिड शॉट एंड क्लोजअप शॉट। आपको बार बार कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चलती हुई रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें कवर कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जब सिंक हो जाएं, जब उससे पहले या उसके बाद में इस तरह के फिलर्स लेने हैं। फिलर का मतलब जिसमें सब्जेक्ट लिपसिंग नहीं करेगा, सॉन्ग को गाएगा नहीं, जैसे घड़ी का शॉट हो गया, फ्रंट का शॉट हो गया, साइड एंगल हो गया, चलते हुए का वॉकिंग शॉट हो गया। इस तरह से हम एंगल्स को कवर करेंगे जिसके अंदर हमारा जो सिंगर है गाने को नहीं गाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो अभी हमने कवर सॉन्ग शूट किया है उसे एडिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल है बिगनर्स के लिए है, मतलब जो स्टार्टअप कर रहे हैं अपना उनके लिए है, जो पहले से ही प्रीमियर जानते हैं उनके लिए या पहले से ही शूट कर रहे हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल नहीं है। तो सबसे पहले बता दूं इस वीडियो की हम एडिटिंग करने वाले हैं अडोब प्रीमियर प्रो सीसी 2020 के अंदर। सबसे पहले दोस्तों बता दूं चार पैनल मिलेंगे, यहाँ पे डाटा इंपोर्ट होता है इस वाले पैनल पे, इस पे डाटा जो रो डाटा होता है उसका प्रीव्यू आता है और नीचे एडिटिंग करते हैं और ऊपर जो एडिट किया होता है यहाँ पे उसका व्यू आता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमने शूट किए हैं क्लिप उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करूँगा, इसे अपने प्रीमियर के अंदर ड्रैग करूँगा। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जो क्लिप है सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, सीक्वेंस लेना है दोस्तों। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जिसके ऊपर एडिटिंग करेंगे। जैसे पहले भी आप ट्यूटोरियल 1 देख सकते हैं, उसके अंदर सीक्वेंस बताया पूरा क्या है। तो आपने कंट्रोल एन दबाना है, कंट्रोल एन दबाते ही काफ़ी सारे सीक्वेंस आ जाएंगे। आपने क्या करना है, एरी के अंदर जाके यहाँ पे 108025P का सीक्वेंस लेना है। ओके, तो दोस्तों अब क्या करना है, आपने म्यूजिक जो आपका है म्यूजिक रखना है। तो ये मेरा म्यूजिक है, इसे भी ड्रैग करूंगा। ओके, तो दोस्तों म्यूजिक आपने यहां पे रख लेना है। ओके, थोड़ा प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो प्ले करके देखते हैं यहां पे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले पहला वीडियो को ऐसे रखेंगे इस तरह से। ओके, तो दोस्तों बता दूं ये 2K का वीडियो है, इसे हमें सेट टू फ्रेम साइज ना स्केल करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, एकदम से सारी वीडियो इकट्ठी करेंगे क्योंकि आपको बताया था कि ये जो रिकॉर्ड किया है 2K के अंदर, हमने जो मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग की है और हमारा जो सीक्वेंस है फुल HD का है। ओके, सारे वीडियो रख लूँगा मैं। ओके, इसके ऊपर रख लेता हूँ वो वीडियो वेस्ट। जो दोस्तों सिंक हमने लिए हैं, ओके ओके, टाइमलाइन थोड़ी बड़ी करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारे सिंक हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पुश करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिंक्रोनाइज का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियो को हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए मिक्स डाउन। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपने ओके कर देना, ओके करते ही सारी 1 2 3 4 5 6 ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी।
थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों देखा आपने ऑटोमेटेड ये सिंक्रोनाइज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली ऑडियो को डिलीट कर देंगे, सारी जो हमारी ओरिजिनल है। और आपने इन सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेट टू फ्रेम साइज या सेट टू स्केल साइज। ओके, सेट टू फ्रेम साइज कर देंगे तो देख सकते हैं। ओके, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। आपने एडिट कैसे करना है, यहां से मैं म्यूजिक है जो कट कर देता हूं पहले। अब क्या करेंगे, यहां मैं देख सकते हैं यहां पे रेजर टूल है जो कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब यहां से कट लगा सकते हैं। और दोस्तों बता दूं, जो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट कंट्रोल के होता है कट करने का। ओके, अब ध्यान से देखने वाली चीज है कि किस तरह से एडिट कर रहा हूं। कट कट लगाने हैं अब आपने सिर्फ। ओके, प्ले। ओ कुछ ऐसा कर कमाल। ठीक है, यहां से आप पीछे ले जाओगे। ओके, प्ले। ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। ओ कुछ ओके, कट। अब दूसरा, फर्स्ट सेकंड हो चुका है, अब थर्ड। ओके, तो जैसे ये सिंक गलत हो चुका है, इसे हम रिमूव करेंगे। कट, हम बैक कर देंगे। ओके, और नीचे का भी पार्ट, क्योंकि ये दो वीडियो अभी तक हमारी विजिबल नहीं हुई, नहीं दिखाई। ओके, अब हम बिल्कुल लास्ट वाली वीडियो को लेके आएंगे। कट, कंट्रोल के से मैं करूं सिलेक्ट और बैक। ओके, कट। सिंक्रोनाइज ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ आपने इस तरह से जो आपको वीडियो पसंद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपने लेयर्स बनाई हैं, आप उस टाइप से वीडियो को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल के लिए एडिट कर दी है हमने, बहुत इजीली देख सकते हैं। मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं। ऐ गलती गलत है जो भी कर रिया जानी है, पर भी देख तेरे बिन किंचे। तो देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ हमारे 2 से 3 मिनट लगे, हमने वीडियो एडिट कर दी है। स्टार्टिंग में आप जो मैंने वॉकिंग शॉर्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। देखिए चला है पैरों का शॉर्ट। ओके, यहाँ पे आप रखेंगे स्टार्टिंग में, वो यूज कर सकते हैं। ओके, सेट टू फ्रेम साइज या सेट टू फ्रेम स्केल करना है आपने। ओके, कंट्रोल आर, क्लिप को सिलेक्ट करके स्पीड स्लो मोशन कर रहा हूं। ओके, वन
ओके, सेलेक्ट सेट टू फ्रेम साइज, कंट्रोल आर दबाएंगे और सॉरी ये लेयर क्रिएट होगी, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल आर, यहाँ पे स्पीड 50। इस तरह से आप चंद सेकंड में वीडियो को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसके अंदर कलर ग्रेड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, यहां पे आपको दिखाई देगा एडजस्टमेंट लेयर, ओके करना है आपने और ओके, सिर्फ इतना काम करना है, सीक्वेंस के साथ का एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा, पूरी वीडियो के ऊपर आपने रखना है दोस्तों, इस तरह से पकड़ के इस तरह से खींच देना है और आपने जाना है बिल्कुल टॉप पे कलर के ऑप्शन में और क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कलर बार दिखाई देगा दोस्तों, राइट हैंड साइड आपने जाना है बेसिक कोरेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हमारी शेडोज पड़ रही हैं फेस के ऊपर, तो 50% हम इन्हें क्लियर कर देंगे दोस्तों। ओके, 50% क्लियर करने से बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना, हाईलाइट्स थोड़े से हम कम कर देंगे, वाइट्स थोड़े से बढ़ा देंगे और आपने ब्लैक थोड़े से कम करने हैं। नीचे आना है दोस्तों, आपने क्रिएटिव के अंदर, क्रिएटिव के अंदर से हमने क्या करना, वाइब्रेंस 40 कर देनी है दोस्तों। तो इसके बाद आपने आना है कर्व के अंदर, कर्व के अंदर आते ही आपने क्या करना है, ग्रीन एरिया को सिलेक्ट करना है, थोड़ी सी हल्की हल्की कलर ग्रेडिंग बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको ग्रीन बाउंड्री आ जाएगी, आपने क्या करना है, इन दोनों को फ्लॉ कर देना है, फ्ला देना है, ग्रीन और येलो का मिक्सचर होता है और हम ग्रीन को डाउन, तो आप देख सकते हैं। ओके, जूम आउट करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों, ओनली ग्रीन पार्ट हमारा विजिबल हो रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा ग्रीन कम कर रहा हूँ। ओके, हम बिफोर आफ्टर करते हैं, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये फेस देख रहे हैं आप, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, जो ब्लैकनेस थे, जो शेडोज थी वो हमने रिमूव कर दिए, जो ब्लैक आ रहा था फेस। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो के ऊपर है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो देख सकते हैं। इस तरह से आप बेसिक करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद दोस्तों।